ए किसने उठाया रे मेरा लौंडा? सर आप क्या ढूंढ रहे हैं? अरे मेरा लौंडा नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन उठा के ले गया, तुमने उठाया जहां तक है। सर वो तो आपकी पेंट भी होना चाहिए। बाय द वे हमारे पास ऐसा कोई असली आइटम नहीं है। अरे दिमाग के टट्टों में है, अपने लौंडे को ढूंढ रहा हूँ, बेटे को बेटे को। तो भाई आ गया हम एक और मिशन में, और हमारे पिछले बार पैंथर भैया ने कू दाब लिया था उन्होंने, दूसरी गैंग वालों ने। भाई बड़ी टेंशन वेंशन सी आई थी, लेकिन कोई नहीं, फिर वापस आ गए सही, ठीक ठाक हो गए थे आराम से। फिर हमने एक मिशन भी करा, और आज चले भैया एक और मिशन पर। अरे यार तुम देखो भाई, पूरी वीडियो तक नहीं देख रहे, मुझे पता लग रहा तुम्हारे यार वीडियो तक नहीं देख रहे तुम पूरी। इतनी बुरी थोड़ी हो मैं यार, पूरी देख ले करो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हम अच्छे लगते हैं, ये गेम अच्छा लगता है, और दुनिया में कोई तो अच्छा लगता होगा यार, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो देख लो पूरी। तो भाई पहुंच गया अपने अगले मिशन पे, घोड़ा भी छोड़ दिया, अब चल के देखते हैं कहाँ जाना है, क्या बात है। अरे कैसे साहे फटीचा भिकमंगे बैठे हुए, खड़े हो जाओ चलो, कोई भी नहीं देता आजकल मंदिरों में, साले कमाना खाना जानते नहीं। अबे तू कौन सा घना अमीर है, तू ही मारे कैसा ही है, घना इंगे तिंगे तो चार हाथ मार के बड़ा आदमी बन रहा। अरे हमें बता तू कच्चे में डुल रहा है, कच्चा भी ना पावे तुझे तो, दूसरे कच्चे चूरों चोरे पैरा, दो पैर तो मेरे कच्चे चूरों लिए, मैं नंगा भिखारी समझ के लोग दो चार पैसे फालतू दे गए, इतना फटी चला बन रहा है भी नेता। ओ भाई बंदा बेल दिया हमारा, इनकी माँ का यो कौन सी है, यो लोंगली थम है, ले 3.5 तन्ने बंदा आया था ना हेडशॉट, इसे तो स्कोप करके मारूंगा, ले भोसड़ी का। अरे लगा कैसे ना, यो बकचोदी है। अब देखा यो पंप एक्शन वाली है, कौन सी वाली है यो? समझा स्कोप मांगता है हमको यार, फील्डिंग बिठा रही है यार तकड़ी वाली, यू काम आवेगी। हट साले जो सड़, यो लगा इसके हेडशॉट, और जो सामने यो इसके पड़ गया। अच्छा साढ़े सूसे पे चढ़ के चला होगा यो है, यो मर गया यार, स्कोप इस्तेमाल करना पड़ेगा अब की बार। अबे यो लगा इसके हेडशॉट, चल साले आ जा बेटा आ जा, अबे यार ये गोली क्यों चल रही इसमें से, यो हेडशॉट लग गया इसके, यो मर गया बस। अब हमें यार कहीं कूद जाना, थोड़ा सा आगे को गन स्मिथ के पास में जाना। अरे यार ये चढ़ क्यों नहीं रहा मैं, बस हो गया काम। हट साले तेरी बहन का, अब यार भाई गनस्मिथ की दुकान में तो बढ़ गया, अब यहाँ से और बंदे आने लग रहे हैं, केस हो गया खतरनाक वाला है। कौन जो हमारा दुश्मन जिसने हमारे पे इतना खतरनाक वाला हमला कराया, उसमें हेडशॉट भर दिया भाई साहब जरा सी देर में। अब यार चल साले, घोड़े वाले आ गया, यो सुसा बहुत भगन लग रहा। हट साले, चल चल रिलोड होगी, कहाँ रहा बेटा कहाँ रहा है, हट साले इसके पेट में भरा भाई साहब शॉट, यो लगा भाई हेड शॉट साढ़े भाई भाई के भी तो ऐसी मारा था, इसने नहीं मारा था क्या, दूसरे ने मारा था, स्नाइपर था कोई छत सी पे को, उसे जय पेल लिया था हमने। नहीं आज
यो लगा हेड शॉट और भाई यार ये भग गया। अच्छा जहाँ तक शेरिफ ग्रे के आदमी ने करवाया, शेरिफा काम है भाई। यो ए शेरिफ लौट जल्दी आना सिटी के बाहर, क्या डर गया क्या अपने बाप से? ए मैं चोट देंगे तेरी। क्या यो कह लग रहा नुक तुम्हारे शहर में ऐसा आतंक बचा दिया, मैं पेल दिया ना साला बकचोदी फेलन लग रहा तू भाई ना आया। ए ले साला पहले तो यो हो गया, यो पेल दिया भाई साहब शेरिफ। अरे यो हो गया भाई साहब इसका चेला। चलो भाई दो तुम्हारे भाई ने पहले दो इसने पेल दिए, बढ़िया। यो था भाई गैल का जो इन्हें मारा। तो भाई शेरिफ को ना किसी तरह से पता लग गया कि हम उन्हें लूटना चाह रहे हैं, तो भाई उसने हमारे पे हमला करवा दिया था, उसे तो मरवा दिया। और भाई अब अपनी हालत ख़राब सी है थोड़ी सी यार। शेरिफ शेरिफ साहब अपना ही दुश्मन बन गया, वैसे तो हम उसे यहाँ से लूट कर निकलने वाले थे लेकिन भाई से पहले ही पता लग गया उन्हें हमारी ले ली। तो चलो यार भाई डच भैया से बात करनी पड़ेगी इस चीज़ के बारे में। एक सेकंड समय पहले तो अपने घोड़े को बुलाऊँ, आ जाओ ना। ओ भैया केस हो गया वहाँ, तो कुछ तो बताने का ही मौका नहीं मिला। वो भाई हमें मतलब हमारे उस बारे में बात करते थे कि हम शेरिफ को कैसे लूटेंगे, तो भाई उसने इस चीज़ से पहले ही कि हम उनसे ढंग मतलब उस बारे में ढंग से बात कर पाए, भाई उसके एक आदमी को फंसा के हेडशॉट फेल दिया भाई। उसके सारे बंदे आ गए एकदम से हमारे से लड़ने, भाई फिर वहाँ लड़ाई हुई तुम्हें पता ही है। फिर भाई शेरिफ से क्या कहते हैं हमने पूछा कि मतलब ये तुम्हारे यहाँ का लो एंड ऑर्डर, हमारे से मतलब बंदे लड़ने लग रहे, हमें तक नहीं पता था कि बंदे किसके हैं। यो भाई शेरिफ की थे, तो भाई शेरिफ ने हमारे एक बंदे दाब के ये कह रहे कि मैं तो इसे भी ठोकूंगा तुम्हें भी ठोकूंगा। कई सारे गनमैन आ गए हमारे ऊपर एम करके, लेकिन हमने उन्हें ठोक दिया, शेरिफ को भी ठोक दिया। लेकिन भाई अब ये है कि शेरिफ का हाथ नहीं है हमारे सिर पर, देखना पड़ेगा क्या सीन है। अब डच भैया से बात करेंगे हम इस पूरी बकचोदी के बारे में। तो भाई यार अभी डच भैया का लोंडा ठा लिया उन्होंने और हम सारे डच भैया गैल भाई जा रहे कतई उसे बचाने। और डच भैया ने कही भाई जो भी फालतू बोल जाना बकचोदी सी कजा जा सी पेल के रख दो भाई, कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है, बस उसे लोंडे को लाओ बचा कर। तो भाई यार अब हम जान लग रहे बड़ी समस्या हो गया यार उन्हें, भाई साहब को पता लग गया ये जहाँ तक है डच भैया का लोंडा उसने उठाया, वो जो वो नहीं है शिकारी जिनकी कल काम कर रहा वो चाची सी आएगी भाई, उसने उठा लिया डच भैया का लोंडा। डच भैया तो कह क्योंकि जो फालतू बोल रहा ठोक दियो गैल, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस लोंडा चाहिए हमें। भाई यार हम इन्हें लूटने की सोचे थे भाई, हमारे इन्होंने लगाने शुरू कर दिए जो डिस्प्ले जा रहा है मैं बार बार बस। यार ये यूपीएस से पता नहीं क्या बकचोदी है साला, डिस्प्ले भग जा जा सी देर में रैपिड मार मार के सही करना पड़ा। पहले तो सोचू था मोटे वोटे की गलती है, डिस्प्ले पोर्ट ढंग से कनेक्ट नहीं हो रहा, ढीला वीला पड़ रहा, लेकिन भाई सब सही है, बस यूपीएस में बकचोदी हुई पता नहीं क्या। ए किसने उठाया है मेरा लोंडा? सर आप क्या ढूंढ रहे हैं? अरे मेरा लोंडा नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन उठा के ले गया, तुमने उठाया जहाँ तक है। सर वो तो आपकी पेंट भी होना चाहिए, बाय द वे हमारे पास ऐसा कोई असली आइटम नहीं है। अरे दिमाग क्या टट्टों में है, अपने लोंडे को ढूंढ रहा हूँ बेटे को बेटे को। तो भाई अभी एक कोई बॉडीगार्ड है इनका, उससे हमारी बात हुई, वो कह रहा है कि भाई हमें नहीं पता इस लड़के वड़के के बारे में, डच भैया पूछने लग रहे, वो कह हमें नहीं पता यहाँ से चले जाओ चुपके। डच भैया ने कह दी ओपन फायर, हम ले कर फटाफट कवर और हम भी शुरू करें तमंचे बैठ इसको। एक सेकंड यार ये नो स्कोप में ही चलती क्या? चल साले स्नाइपर है हम। यो लगा इसके हेडशॉट भाई साहब, थोड़ी थामनी पड़ा है लगाने से पहले, लेकिन लग जावे तगड़ाई वाला। हट जा डच हट जा। अरे यार यो लग गया इसके हेडशॉट। अरे यार ये एक सेकंड यो बहुत भाई साहब बहुत तेज तेज कर रहा काम, बाहर निकल साले इसकी बहन का। ओ भाई लग गया फाइनली, बहुत तेज तेज निकल रहा था भाई, हो इतनी सी देर में स्नाइपर का शॉट नहीं लगता। इसके लग गया यो आजा बाहर, घायल भी हो जाना एक बार। ओ भाई इसके तो दिल में सी गाड़ दी यो, कहाँ गया यो लगा इसके हेडशॉट।
सेकंड ऊपर है। ओए नहीं 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 यार, मुझे थोड़ी देर में चलानी थी गोली। तो भैया हमें डस्टबिन के पीछे जाना और बाकियों को यहीं ध्यान रखना। और शॉर्ट गन ले लें यार, दो जो पंप एक्शन वाली, मुझे इस इलाके में ढूंढना। अट तेरी बहन का, एक सेकंड आ जा बेटा, ले बैठी भाई साहब। वो वाला सीन हो गया बेजापुर वाला, जो मुन्ना मुन्ना भैया ने खोपड़ा खोला था। तो यार मुझे तो ना पाया भाई, जो है मैं तो बस एक बंदा पाया भाई साहब, बंदा उसका खोपड़ा खोल दिया। मैं अपनी बंदूक रिलोड कर लूँ भाई साहब, सीन कर दिया उसी गैल में भी। भाई और बंदे आ गए यार बाहर, अब यहाँ पे स्नाइपर काम आवेगी। समझाओ यार, मुझे तो नहीं पाया। डच डच भैया को पा गया यहाँ पे लोंडा। अरे यार कवर क्यों ले रहा मैं, ये रहा, ये तो अपनी साइड के हैं। यो इसके बड़ा हेड शॉट। चलो इनकी एक पहचान है कि वो लालटेन लेके आ रहे हैं, तो इससे आसान हो रहा है इसे इन्हें ढूंढना। यो रहा, चल साले, यो लगा भाई साहब आँख की काट दी इसकी तो। यो रहा एक, इसके लग गया, ये लग गया। मैंने भी जो भी मारा था, चल 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 चल, लग गया लग गया। हर साले अबे अब कहाँ पे हैं ये, और उनके की साइड में। यार मुझे स्कोप नहीं चाहिए अभी थोड़ी देर के लिए यार, ये शिफ्ट नहीं हो सकती उसके बीच में, मुझे कुछ चमक नहीं रहा भाई, इतना जूम हो रहा है, अंदाजा ही नहीं पड़ रहा कहाँ पे हो सके बंदे कहाँ पे ना। यहाँ कवर लूँ मैं, ये तो अपने साथ का है, 8 साल है। ये लगा भाई साहब आंख में से शॉट निकल गया। ये सामने सामने सामने, नहीं 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 वो नहीं है, वो मर गया। थोड़ा सा इंगे को जाऊं यार, ये लाइट है। भाई हो गया काम यार, रात को चोट भी लगते ढंग से, ऊपर से मुझे पता नहीं लग रहा। मैं सोचा नो स्कोप में काम कर जाए, नो स्कोप की है नहीं है, गलत ले आया मैं। थोड़ी सी लूट पार्टी मचानी पड़ेगी यार यहाँ, तोड़ 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 तोड़। हट साले, ओ भाई डबल डबल शॉट। यो भाई कैसे हो आ गए यार, यहाँ भी नहीं है वो लोंडा। जो इसका ये घर है चाची का, वो मतलब हमें मिल गई, उसने कही कि हमने इसका लोंडा ठोक दिया, इसलिए वो नहीं बता रही कि कहाँ है वह डच भैया का लोंडा। डच भैया ने काफ़ी पूछी कोई इसकी, लेकिन उन्होंने नहीं बताई। तो भाई अब डच भैया इसे ज़बरदस्ती रगड़ के अपने बेस पे ले जाने लग रहे हैं। भाई साहब खतरनाक वाली लड़ाई हो गया इस एपिसोड में तो, अपनी सबसे कतई सब कुछ पता लग गया। जहाँ तक है उसे शायद, मुझे नहीं पता है किसने बात करी हमारी वाली लीक कि हम इन सबको लूटने वाले हैं, बेस पे ले जा रहे हैं हम इसे, वहाँ ले जाके पूछताछ करेंगे इससे। यार जब तक डच भैया का लोन नहीं पता, जब तक तो भाई छोड़ नहीं सकता किसी भी हालत में। मैं 120 साल से रहे थे और भाई फूंक दिया है घर। अरे उसने मतलब अभी हमें बताया डच भैया को और हमें कि हमने उसकी दारू चुराई थी, घोड़े चुराए थे, घोड़े भी हमने इसी के यहाँ से चुराए। तो भाई अब इसलिए इसने मतलब जो डच भैया का लोंडा था वो उठवा दिया, और कोई इटली की तरफ कोई बोट वोट जा रही है, वहाँ उस बोट के अंदर है वो जहाँ तक है। मज़ा आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में।